आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने करेंगे कक्षा दसवीं की गणित और आज का अपना चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्या, यानी कि दसवीं गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज अपने शुरू करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक दसवीं गणित को ढंग से नहीं समझा या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे जुड़ के दसवीं के गणित को बहुत अच्छे से हल कर सकते हो। आपको पूरी क्लासेस वार्षिक परीक्षा तक पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को अपने डिटेल में समझेंगे और प्रत्येक डाउट को भी साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे। तो आपको बस इसके लिए हमसे जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी अवश्य रूप से दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हो कक्षा दसवीं की एक तो अपने गणित कर रहे हैं, इसके अलावा अपने कर रहे हैं एसटीएससी एग्जाम की तैयारी, यानी कि अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपको हमारे चैनल पे एसटीएससी एग्जाम की अलग से प्लेलिस्ट बनी उसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यानी कि ये एक राज्य स्तरीय परीक्षा होती है जो आरबीएससी बोर्ड करवाता है, हर साल इसका एग्जाम होता है जिसमें आपके दसवीं की गणित और नाइन्थ की गणित है वो पूछी जाती है। अगर आप में आपका इसके अंतर्गत सिलेक्शन होता है तो आपको 10th क्लास, 12th, 11th, इसके अलावा आप ग्रेजुएशन कर रहे हो यानी कि बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो तो उस दौरान, इसके अलावा आप एमएससी कर रहे हो चाहे एमए कर रहे हो, आपको सरकार कंटिन्यू इसमें हर मंथ 2000 के अराउंड पर मंथ स्कॉलरशिप देने वाली है यदि आपका इसके अंतर्गत सिलेक्शन हो जाता है। तो लास्ट ईयर हमने इसके लिए पूरी क्लासेस करवाई थी और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो इसके जो फॉर्म है वो नवंबर दिसंबर मंथ के लगभग आ जाते हैं। तो आज से अपने इसको साथ के साथ करेंगे क्योंकि ये मैथ आपके आने वाली है। तो अपने बिल्कुल इसका जो पैटर्न रखेंगे वो एसटीएससी एग्जाम के आधार पे रखेंगे ताकि आपका जो 10th का बोर्ड एग्जाम है वो भी अच्छे से क्लियर हो सके और एसटीएससी एग्जाम में भी आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आप इसके लिए हमसे जुड़े रहें, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेगी और बाकी जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ इस साल एसटीएससी के फॉर्म कब तक आएंगे, क्या कुछ पैटर्न, सब जानकारी हम टाइम टू टाइम आपको क्लास के माध्यम से देते रहेंगे। तो अब अपने शुरू करते हैं क्लास और आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर यहाँ पे आज की क्लास में अपने दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो चीज़ें कौन कौन सी, एक तो अपने पढ़ेंगे वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो साथ के साथ इंग्लिश भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में डिटेल में अपने नहीं जाएंगे लेकिन संक्षिप्त में आपको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे भी अपने को आवश्यकता पड़ेगी कि इसकी अपने को डिटेल में चर्चा करनी चाहिए तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि बिल्कुल अपने एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न को पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। इसके अलावा एसटीएससी एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। दूसरा चीज़ अपनी चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जिसपे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा है a = bq + r, क्या होता है, किस प्रकार से बना है और इस पर प्रश्न आपको किस प्रकार से हल करना है वो आगे अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे मैंने आपको बताया इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है अगर संक्षिप्त में अपने बात करें तो सभी संख्याएं जितनी भी संख्या है उनको कहते हैं वास्तविक नंबर, इसमें कुछ संख्याओं को छोड़ के, वो कौन सी है उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर मैं एक संख्या रेखा तैयार करूँ इसके अकॉर्डिंग, संख्या रेखा की अगर अपने बात करें एक लाइन के माध्यम से आपको अगर हम समझाएं तो जैसे यहाँ पे मिड में मान लो जीरो है, इसके बाद में जीरो से अगर अपने इस तरफ चले तो यहाँ पे संख्याएं आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव जैसे 1, 2, यहाँ पे मान लो 2.5, 2.6, इस प्रकार से 3, इस प्रकार कंटिन्यू, मतलब संख्याएं जितनी भी है 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से ये डैश डैश आगे मैं इनफिनिटी तक इसको यानी कि अनंत तक ये संख्याएं चलती रहती है इस प्रकार से कंटिन्यू। अगर अपने इस तरफ जाएं जीरो से पीछे तो यहाँ पे संख्याएं कौन सी आती है, यहाँ पे आती है माइनस के अंदर 1, -2, ये संख्याएं हैं यहाँ पे जितनी भी मैंने लिखी है ये संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या रियल नंबर। इधर मैं डैश डैश लिख देता हूँ यानी कि इधर कंटिन्यू ये संख्या इस प्रकार से। तो इन सब संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या। अगर आपने एक लाइन में बोले तो सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक यानी जो माइनस वाली संख्याएं हैं, जो धनात्मक यानी कि प्लस वाली संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। अब आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी होती है, इधर अपने बोला माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक संख्या,
ऋणात्मक संख्या जितनी भी उनको अपने माइनस चिन्ह से प्रेजेंट कर दिया या माइनस लगा दिया, तो क्योंकि ये माइनस वाली है। इधर मैंने बोला ये धनात्मक संख्या है लेकिन इनके आगे प्लस नहीं लगाया। तो ये बस आपको सेंस से ध्यान रखना है कि प्लस वाली जो संख्या होती है यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं उनके आगे कभी भी प्लस को प्रेजेंट नहीं किया जाता। अगर कोई भी संख्या मैंने लिख दी, मैंने पांच लिख दिया, इस पांच का मतलब आपको क्या समझाना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि ये पांच है वो पांच धनात्मक यानी कि प्लस की पांच है, ये माइनस का पांच नहीं। अगर माइनस का पांच मेरे को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का पांच। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर माइनस वाले के तो आगे माइनस लगा दिया लेकिन प्लस वाले के आगे आपने कुछ नहीं लगाया, तो कैसे पता चलेगा प्लस का है माइनस का है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या लगा दिखती है उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो संख्या हमेशा पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं, अगर सिंपल भाषा में बोले तो प्लस वाली संख्या हमेशा मानी जाती है, और माइनस लगा दिया इसका मतलब वो संख्या कौन सी है, ऋणात्मक। तो ये सब संख्याएं प्लस वाली माइनस वाली, इसके अलावा आपने ऐसी संख्या देखी होगी कैसी, अंडर रूट चार, अंडर रूट के अंदर पांच, अंडर रूट के अंदर एक, अंडर रूट के अंदर दो, अंडर रूट के अंदर पांच बटे चार, अंडर रूट के अंदर तीन बटे दो। ये संख्याएं भी कैसी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। प्लस वाली माइनस वाली अंडर रूट के अंदर प्लस वाली संख्या, ये सब संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या। बस एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो चीज क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास यूं आ जाए माइनस अंडर रूट का थ्री, माइनस अंडर रूट का फाइव, या फिर अंडर रूट के अंदर आ जाए माइनस का वन, या अंडर रूट के अंदर आ जाए माइनस का तीन बटे चार, कुछ इस प्रकार से आ जाए, तो ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को कहते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। तो उम्मीद करता हूं ये जो संक्षिप्त में अपनी चर्चा करी कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके अलावा अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, तो सभी संख्याएं आपको बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन संख्याओं को निकाल दो, इसके अलावा सब संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन सी, प्लस वाली माइनस वाली अंडर रूट के अंतर्गत जितनी भी प्लस वाली संख्या है सब आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। अब ये मत सोच रहे ना कि सर माइनस तो यहाँ पे लगा, लेकिन कंडीशन ये रखी है मैंने, कंडीशन ये होती है कि अंडर रूट के अंदर माइनस के अंदर कोई संख्या, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ये संख्याएं छोड़ के, क्योंकि ये संख्या अवास्तविक होती है, अनरियल होती है, बाकी सब संख्याएं चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, यानी कि प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो चाहे अंडर रूट के अंदर प्लस वाली संख्याएं, सब संख्याएं कहलाती है वास्तविक, और ये संख्या होती है अवास्तविक। तो बेसिक सा कंसेप्ट, छोटी सी बात आपको ध्यान रखने की वास्तविक संख्या कौन सी होती है। अब वास्तविक संख्या को भी आगे दो पार्ट में बांटा जाता है, एक तो प्रमेय संख्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है, उसके बाद में प्रमेय का दशमलव प्रसार होता है, उसके बाद में आगे इसका भी डिवाइडेशन होता रहता है, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जब भी जरूरत पड़ेगी उसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट था वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम था, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने पहला चैप्टर कर रखा है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बताइए चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती क्या है, तो आपको जरूरत पड़ेगी वास्तविक संख्या क्या होती है, आप ओरली यानी कि मुख से आप बता सकते हो एक भाषा के रूप में कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया वास्तविक संख्या क्या होती है, करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर देखिए दूसरी चीज जो चैप्टर के अंतर्गत जो मेन चीज है जिसपे क्वेश्चन अपने को करने हैं और एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके अलावा प्रमेयिका। अब प्रमेयिका होती क्या है, ये होती है प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये बड़ी कैसी है वो हम आपको समझाएंगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये आपको इतना, ये जो चीज लिखी है मैंने अभी लिखी है जो ये वाली, ये आपको याद रखनी, क्यों रखनी है, क्योंकि एसटीसी एग्जाम है वो, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी कि राज्य खोज प्रतिभा परीक्षा, इस परीक्षा के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे,
चार ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछेगा यूनिट बजट परमिट का कौन सी है, वो कहीं माइनस लगा देगा, कहीं प्लस लगा देगा, कहीं कुछ चेंज कर देगा, और आपसे सही पूछेगा इसका सही रूप बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सही रूप क्या होता है। जैसे कि हमने क्लास के शुरू में हमने बोला था, अपने एग्जाम दो चीजें एक साथ लेके चलेंगे, एक तो कक्षा दसवीं की गणित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे उसको ध्यान में रखते हैं, उससे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा अपने एसटीएससी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका कक्षा दसवीं का गणित इस परीक्षा के अंतर्गत, तो उसको भी अपने ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एसटीएससी एग्जाम अगर आप देते हो तो वहाँ पे आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूक्लिडियन भाजन प्रमेय का होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना ध्यान रखना है। ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगी। अब अपने बात करते हैं ये चीज आई कहां से कैसे बढ़ी। तो देखिए आप सबने भाग तो दिया होगा, सब भाग के बारे में भलीभांति जानते हैं। यहाँ पे चार चीजें आपके पास होती है, कौन कौन सी होती है, अगर आप भाग कर रहे हो, अगर आप भाग करते हो तो चार चीज कौन सी होती है, एक तो यहाँ पे होता है जिस संख्या के अंतर्गत किसी संख्या का भाग देते हो, यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, 20/7। अब यदि आपको भाग देना आता है, क्योंकि दसवीं क्लास के अंदर हो तो डेफिनेट सी बात है भाग तो देना आता है, कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, तो उनको भी अपने साथ में लेके चलेंगे। उसके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हुई है, एक तो 20 और एक होता है 7। अब जो चीज ऊपर लिखी होती है उसको लिखते हैं अंदर, किसके अंदर, ये जो अपने इस प्रकार का पैटर्न बनाते हैं भाग देने के लिए उसके अंदर, और जो चीज नीचे लिखी होती है जैसे कि ये 7, इसको यहां पे आगे लिखते हैं। अब इसको बोलेंगे कैसे, 20 में 7 का भाग, किसका, 20 में 7 का भाग। आपसे पूछ लिया गया कि आप किसका किस में भाग दे रहे हो, आप बोलोगे 20 में 7 का भाग, ये मत बोल देना कि 7 में 20 का भाग, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 7 का भाग है वो 20 में दे रहे हैं, 20 में 7 का भाग दे रहे हैं, यानी कि जो चीज ऊपर है उसमें उसके साथ में ऐड करना है, 20 में 7 का भाग। एक और लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 15/3। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किसमें किसका भाग दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, 15 में 3 का भाग, किसमें, 15 में 3 का भाग। तो जो जिसके साथ में जुड़ा हुआ है उसको लिखोगे अंदर, और जो संख्या नीचे है यानी कि जिसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है उस संख्या को लिखोगे बाहर, यानी कि उस संख्या का दूसरी संख्या में भाग दे रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको क्लियर होगी होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने भाग दिया 7 का 20 के अंदर भाग दिया, तो बेसिक से आपको भाग देना है, भाग देंगे तो 7 दुए कितना होता है, 7 दुए होता है 14, कितने बच गए, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे बच गए 6। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ये आपको याद रखना है और ध्यान भी रखना है। ये जो संख्या यहां होती है इसको बोला जाता है भाजक, ये जो संख्या अंदर लिखी जाती है इसको बोला जाता है भाज्य, यानी कि कौन सी संख्या टूटेगी, क्योंकि 20 को अपने टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, 20 को डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये होता है डिविजिबल, और ये होता है आपका भाजक यानी कि डिनोमिनेटर। और इस दो को क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं भागफल, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन, और इस आर को लिखते हैं शेष पर, शॉर्ट में हमें क्या लिखते थे, शेष कितना बचा। तो देखिए चार चीजें अपने पास, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष पर, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। जो संख्या अंदर लिखी जाती है जिसके अंदर किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, कि 20 में भाग दे रहे हैं जिसके साथ में जुड़ा, उसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य, जय आधा पूरा य, भाज्य। जो संख्या बाहर लिखी होती है जिसका जिसका 20 में भाग दे रहे हैं वो कहलाती है भाज्य। इधर तो संख्या आती है, या कई बार इसको यहाँ पे भी ऊपर लिख देते हैं इसको, ये होती है आपका भागफल।
और जो नीचे बचता है, जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है? शेषफल इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब इसी चीज से अपने देखेंगे कि यूक्लिड वजन परमिका का क्या संबंध है। ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि अगर इसको आपने समझ के कर लिया तो आप भूलोगे नहीं, और सवाल करना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि भाग तो आपको आता है और भागी सी, यानी कि अपने बात करें तो भागी तो करना है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना है। अब अपने देखते हैं कि ये चीज बनी कैसे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस आर को कहते हैं हिंदी में, आर का मतलब यहां से हुआ रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, शेष लिख लो या शेष फल लिख लो। ये जो होता है इसको लिखते हैं अपने भाज्य, ये होता है आपका भाजक, और ये होता है आपका भाग। कितनी चीज होगी, चार चीज। यहां पे कितनी पड़ी, एक दो तीन चार, तो कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है। ये अपने भाग किया है तरीके से, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से इसने व्यवस्थित करके और एक चीज बना दी, और वही आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसी से सवाल करना पड़ेगा, बड़ी कहां से ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, कहां से आया, रट्टा नहीं लगाना मैथ के अंदर कुछ भी, सब एक्सप्लेन करेंगे समझाएंगे आपको, फिर आप सवाल करोगे अपने आप। तो ए भाज्य, भाज्य यानी कि जो बड़ी संख्या होती है जिसमें किसी संख्या का भाग देते हैं। दूसरा बी आपका कहलाता है भाजक, क्यू, क्यू को इंग्लिश में कहते हैं क्यूशंट, क्यू से उसको लिखते हैं क्यूशंट, तो इसलिए क्यू से बन गया भागफल, और आर से होता है रिमाइंडर यानी कि शेष। अब देखिए आपको मैंने दो चीज दे दी, अब मैंने बोल दिया आपको भाग दीजिए, मैंने आपको सीधा बोल दिया भाग दीजिए, तो कुछ तो बच्चे जो समझदार हैं जिनको अच्छे से भाग आता है वो तो पूछेंगे कि सर हमें संख्या बताइए किसमें किसका भाग देना है, और जिसको आता ही नहीं है या कुछ पता ही नहीं है वो तो भाग देने लग जाएगा, अपनी खुद की गणित बनाएगा और भाग देने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल होता है। और आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं है वो भाग देने लग जाएंगे, उनको पता नहीं क्या किसमें देना है भाग, और जिनको आता है भाग सही से वो पूछेंगे सर संख्या तो बताइए किसमें किसका भाग देना है। तो कंडीशन ये रहती है कि भाग देने के लिए आपको एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि संख्या आपके पास होनी चाहिए, भाग देने के लिए संख्या आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, संख्या कितनी होनी चाहिए। मैंने आपको बोल दिया भाग दीजिए, आप बोलोगे सर संख्या बताइए, फिर मैं अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक प्रश्न, मैं आपसे बोल देता हूँ कि मेरे को बताइए, आप बताइए कि मैं कितनी संख्या दूं कि आप भाग कर दो, जिनको अच्छे से आता है वो तो बोलेगा सर दो संख्या दे दो, अब जिनको नहीं आता वो बोलेगा गुरुजी तीन चार इकट्ठी दे दो। तो जो जरूरी नेसेसरी संख्या है वो आपके पास रहती है दो, जिसे आप भाग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितनी संख्या लिखी, एक और दो, मैंने लिख दिया 15.4, मैंने बोला 15.4 संख्या दे दी मैंने, भाग कीजिए। अब जिसको पता है उसको तो वो तो कर देगा, क्या कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। हाँ ये नहीं है कि आप दे नहीं सकते, चार के अंदर 15 का दे सकते हो, आपके लिए तो टफ ही है वैसे जिसको नहीं आता, तो आप क्या करोगे 15 के अंदर 15 को लिखोगे अंदर, को जो संख्या छोटी है उसको लिखोगे बाहर। तो जरूरी चीज क्या रहती है, भाग देने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए। अब मैं इसको एक नई चीज से जोड़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छी